जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक ठाक से? दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, SSC GD से आप कैसे NSG कमांडो बन सकता है। SSC GD से NSG कमांडो कैसे बन सकता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका ड्यूटी कैसा है, इसका सैलरी कैसा है, इसका सुविधा कैसा है, इसका कैंटीन का फैसिलिटी क्या, ये जॉब आप जाएगा डेपुटेशन 5 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो आप आने के बाद आपको क्या फायदा मिल सकता है। दोस्तों पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेना तो अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं किस लिए बना रहा हूँ। बहुत आदमी को क्या है, NSG कमांडो पसंद है और इसके लिए मैं इस वीडियो खास बना रहा हूँ। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा ये कर लेना क्योंकि जरूरी है आप लोगों को जानकारी। बहुत आदमी कैसे होता है, ये है CM के सर आपका ड्यूटी करने के लिए भी मन है या ब्लैक कमांडो बनना चाहता है। ब्लैक कमांडो बोलता है NSG कमांडो, इसका ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होता है और आप लोग कंप्लीट बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। चलिए तो फिर वो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों SSC GD में कोई भी फोर्स में आप है तो आप NSG कमांडो बन सकता है क्या नहीं, पहला क्वेश्चन। जी हाँ, आप बन सकता है NSG कमांडो, कोई भी डिपार्टमेंट पे हो आप बन सकता है। इसका NSG कमांडो बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? दोस्तों ऐसा बात नहीं, 10 मैट्रिकुलेशन है, 10 पास होने से भी आप अप्लाई कर सकता है। और कौन सा पोस्ट से आप जा सकता है? दोस्तों GD से तो जा सकता है, SI से भी जा सकता है, इंस्पेक्टर से भी जा सकता है। दोस्तों जैसे जैसे डेपुटेशन आता है वैसे ही आप इसमें अप्लाई कर सकता है। इसका बाद आ जाता है दोस्तों आप लोग क्या ट्रेडमैन का भी कर सकते हैं, हाँ ट्रेडमैन से भी जा सकता है NSG कमांडो में। इसका बाद आ जाता है दोस्तों, इसका क्वालिफिकेशन में बता दिया आप लोगों को। फिर दूसरा बात आ जाता है सर, इसका क्या हाइट वेट क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका हाइट वेट कोई ऐसा ये नहीं है, आपका जो मेडिकल है मेडिकल फिट होना चाहिए, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तब तो आपका SAFE 1 बोलता है। SAFE 1 होने से आप इसमें अप्लाई कर पाएगा, मतलब डेपुटेशन में भेज सकते हैं। और उसका बाद आपका क्या होगा, अप्लाई किया है आप जैसे 3 साल के बाद ही आप जा सकता है, उससे पहले नहीं जा सकता है। आप ITEP असम राइफल CRPF BSF SSB हर फोर्स से आप जा सकता है, सिर्फ 3 साल आपका जॉब पक्का होना चाहिए। इसका बाद आ जाता है दोस्तों, इसमें NSG के लिए आपका ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग दोस्तों 3 महीने होगा, मानसर में जो गुड़गांव है, गुड़गांव में इसका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या है, 3 महीने पूरा कंप्लीट अच्छे से आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाएगा। जो 3 महीना ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, इसमें पास फेल लास्ट में डिसाइड हो जाएगा। जैसे 3 महीने तक चलते रहता है उसका दौरान बहुत आदमी क्या है, नौकरी छोड़ के चला जाता है क्योंकि सभी से ट्रेनिंग नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। और NSG कमांडो ऐसे नहीं बनता है दोस्तों, बहुत ही है इसका में। इसके बाद आ जाता है आपको पिस्तौल से लेके सब कुछ, इसका क्या है, पिस्तौल हो आपको पूरा राइफल का सभी का, मतलब क्या है, डिपार्टमेंट से भी आपको बहुत ही नॉलेज दिया जाएगा क्योंकि कमांडो है आप और कमांडो के लिए तो सब कुछ आपको आना चाहिए। हार्ट होता है और आपका शरीर ठीक है तो आप हार्ट कोई मुश्किल ये नहीं, आराम से पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, शरीर ठीक ठाक होना चाहिए, आप आराम से पास हो जाएगा। हमारे साथ भी मैं देखा था, हम तो कभी भी मतलब ट्रेनिंग अच्छा से निकाला था, हर जगह में एक्सीलेंट ही रहा था, जो मतलब सेटिस्फैक्टरी में भी था, किसी तरह रनिंग पास हो गया था, वो भी लड़का NSG में गया है। क्योंकि NSG का ऐसा है आप रुकना नहीं है, उसमें आपको पास होते रहना पड़ेगा, जो रुक गया बाप आ गया वही फेल है। इसलिए क्या है, उसका ऐसा हो जाता है आदमी को, थोड़ा सा क्या है, टाइम आपको कम मिलेगा और टाइम कम है तो आपको अच्छा से आपको रहना पड़ेगा, रहने से तो आप पास हो जाएगा। इसलिए क्या, इतना हार्ड भी नहीं है, आप अच्छा से मतलब ट्रेनिंग करना चाहिए। और इसका बाद आ जाता है दोस्तों, फायरिंग का भी टेस्ट होगा, अच्छा फायरिंग का भी ये होना चाहिए। और इसका बाद आ जाता है, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने तक, तो आप यूनिट में आ जाएगा, यूनिट में आने के बाद आपको पोस्टिंग हो जाएगा NSG में, आप लोग आपका नाम आ जाएगा और 3-4 साल के लिए आप रहेगा NSG में। और NSG में जाने के बाद आपका ब्लैक पूरा ड्रेस रहेगा और बहुत ही पावरफुल है NSG का जो है, बहुत ही पावरफुल, आप लोग देख लिया होगा CM के योगी के साथ रहता है, मतलब पूरा इसके साथ है, जो मतलब PM के साथ रहता है, नरेंद्र मोदी के साथ रहता है वो नहीं है, वो है SPG, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। NSG में जाने के बाद आप लोगों को सुविधा क्या, क्वार्टर पूरा फैसिलिटी, पूरा फुल क्वार्टर आप लोगों को पूरा फ्लैट मिलेगा, बहुत ही अच्छा है। इसमें हम लोगों को पता है ऑफिसर को और ये जवान को सब एक ही है, बराबर है, इसमें पूरा बहुत अच्छा फ्लैट है, बहुत अच्छा सुविधा है।
और दिल्ली हो, आप कहीं भी आप सिटी में रख सकता है। और इसका बात आ जाता है आप लोगों को जो ड्यूटी है, आपका ड्यूटी कैसे रहेगा, जैसे ड्यूटी मंथली आता है उसी टाइम में आप लोगों का ड्यूटी रहता है, वो जब जाएगा भाई मतलब जहाँ पे जाएगा सीएम जहाँ पे जाएगा उसका साथ ही आपका ड्यूटी रहेगा। इसका बात आ जाता है आप लोगों का और क्या है, पैसा कैसे है, इसका ड्यूटी कैसे है। ड्यूटी का कोई ये नहीं है, कोई टाइम नहीं है, आप लोगों को जब आपका डेप्यूटी मतलब आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा सिग्नल अभी आ रहा है मंत्री, तब आपको जाना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है। इसके बाद बाहर जाने से आपको ड्यूटी पैसा एक्स्ट्रा बनेगा, 500 रुपया पर डे, अभी हो सकता है बढ़ गया होगा, उसी टाइम में बातचीत किया था 1-2 साल पहले, 1 साल पहले 500 रुपया उसको बोला था एक्स्ट्रा मिनिमम, मतलब अलाउंस है उसका 15,000 रुपये से ज़्यादा आपको अलाउंस मिलेगा। और तब सोच लीजिए आपको पे भी आप नया है, मतलब आपका मतलब 15,000 रुपया एक्स्ट्रा बन जाएगा, टोटल में आपको 15,000 रुपया एक्स्ट्रा बन जाएगा। इसका बाद आ जाता है आपको कैंटीन का सुविधा, पूरा आर्मी का है, बहुत ही अच्छा है कैंटीन पूरा, बहुत ही सस्ता है इसमें, और फैसिलिटी फैमिली फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसका बाद तीसरा बात है आप लोगों का लीव भी बराबर है, 2 महीना CEL है और CL है 15 दिन दोस्तों, बाकी बराबर है दोस्तों, इसमें कोई कमी बेसी नहीं है। इनका बात आ जाता है दोस्तों इसमें आने के बाद आपको क्या फैसिलिटी मिल सकता है, इनके आने के बाद आपको दोस्तों आप एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक ये सर्टिफिकेट से बहुत कुछ काम आ सकता है। और एनएसजी के आने पर आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा क्योंकि आप कमांडो से आया है, इसका एक इसमें बैज इसमें ये भी रहेगा, इसका मोनोग्राम भी रहेगा आप एनएसजी कमांडो का, और इसलिए दोस्तों बहुत ही है आप शरीर भी फिटनेस रहेगा बहुत ही अच्छा है, उससे आप एसपीजी में भी जा सकता है, कोबरामी में भी जा सकता है दोस्तों, ऐसा बात है। और दोस्तों एनएसजी कमांडो का वही है 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा अलाउंस, और आप लोगों का ड्यूटी हमेशा सिटी के दौरान ही रहेगा, और कहीं भी आप लोगों को तो पता है एनएसजी कमांडो क्या है, मुंबई में भी ताज होटल में भी एनएसजी से सक्सेस हुआ था दोस्तों, और कहीं भी कुछ होने से भी एनएसजी कमांडो को पहले लेके जाता है। और इसका पेंशन का कोई ये नहीं, ये तो डेपुटेशन जाता है और फिर आ जाता है, इसमें कोई परमानेंट नहीं रहता है दोस्तों, बस यही है दोस्तों इस वीडियो को। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।